अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लेआउट क्रिएट करेंगे, जो हमने ग्रेड सिस्टम में बहुत कुछ सीखा है और पढ़ा है, उसी कोई एक अच्छी सी जो नेव बार की लेआउट होती है या फिर साइड बार की या फिर ऐसी लेआउट्स होती हैं, वो हम प्रैक्टिकली बनाना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज हम, जैसे मैंने कहा कि ग्रिड पूरी सिस्टम एक बनाएंगे, एक पूरा लेआउट, उसके लिए मैं एक और चीज़ भी लाया हूँ, एक अलग एक प्रॉपर्टी है। उसके ऊपर जाने से पहले, सबसे पहले तो हम नॉर्मल जो चीज़ करते हैं अपनी ग्रिड बनाने के लिए वो सारी करेंगे, तो मैं एक दिखाना चाहूँगा मैं कैसी बनाना चाहता हूँ एक ग्रिड। सो ये एक वेबसाइट है और मैं इस वेबसाइट जैसा एक सिमिलर सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ऐसी इस जैसी कोई लेआउट बनाऊंगा, जैसे ये पूरा नेव बार आए, उसके बाद ये तीन सेक्शंस आए और ये दो ग्रिड, ये एक कॉलम ये दूसरा कॉलम, ऐसा कुछ मैं बनाऊंगा। सो सबसे पहले तो हमें कंटेनर बनाना होगा, तो डेव डॉट कं, ओके सो डेव डॉट कंटेनर मैं बना लूँगा, उसके बाद मैं स्टाइल टैग भी लगा लूँगा। उसके अंदर मैं एक चीज़ करूँगा कि इसके हिसाब से, जैसे मैंने कहा ये पहले सबसे पहले तो नेव बार है, तो मैं सबसे पहले नेव बार बना लूँगा। नेव ये नेव की एक टैग है, ये मैंने पूरे HTML के कोर्स में पढ़ाया। अगर आपने HTML का कोर्स नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, तो आपको ऊपर लिंक दिख रही होगी, जाके सीख लें। ऑलराइट, सो नेव बार को मैं नेव लिख के और डॉट नेव बार का लगा दूंगा क्लास, राइट। सो उसके बाद इसको यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद होगा एक सेक्शन, इसको एक क्लास देते हैं, ये एक दूसरा डिव बनाते हैं। सो कहाँ गया, तो कहाँ गया, ओके यहाँ है, ओके। सो दूसरा डिव बनाऊंगा, बल्कि सेक्शन बनाऊंगा, सेक्शन भी एक टैग है। और ये क्यों बनाते हैं, एक बार फिर मैं कहूँगा कि ऊपर आपको लिंक दिख रही होगी HTML की, एक पर्टिकुलर वीडियो की, जिसमें मैंने ये बताया कि ये टैग्स हमें क्यों इस्तेमाल करने चाहिए। सो सेक्शन डॉट सेक वन, सो सेक्शन वन ये, उसके बाद ये इसको कॉपी करके सेक्शन टू, और उसके बाद अ साइड, साइड में जो आपको नेव बार दिख रहा है, यहाँ पे आपको साइड बार दिख रहा है, ये मतलब बनाऊँगा, इसको साइड बार कहते हैं, ये नेव बार और ये साइड बार। तो साइड बार के लिए हमें टैग होता है असाइड, तो असाइड डॉट साइड, साइड इसकी क्लास देते हैं। और उसके बाद सिंपली हम फुटर पे करेंगे डॉट फुट, ओके। अब बहुत अच्छी से बनाएंगे हम, स्टाइल वगैरह देंगे, अभी के लिए तो वेबसाइट पूरी खाली है क्योंकि हमने कोई कंटेंट तो ऐड ही नहीं किया, ओके। अब सबसे पहले मैं इनके अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर लेता हूँ। नेव बार के अंदर मैं, जैसे ये है, ये वाला कहाँ गया, ऐसे ही मैं बनाऊँगा एक UL, और UL के अंदर LI मल्टीप्लाई बाय कितने, तीन LIs हों, और उसके अंदर सबसे पहले हों फिर अबाउट, उसके बाद कॉन्टैक्ट, ये हो गया। और सेक्शन टू में मैं dev dot item multiply by 3, तीन आइटम्स बना लूँगा, क्यों, क्योंकि ये एक दो तीन, ये तीन आइटम्स हैं, तो इस हिसाब से मैं तीन आइटम्स बना लूँगा। सो ब्लॉग, ये हमारा ब्लॉग यहाँ पे लग लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो सेक्शन टू है, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें भी आइटम्स ही बनेंगे, क्योंकि ये dev dot item आइटम मल्टीप्लाई बाय कितने आइटम्स हो, 8 रख लेते हैं, ओके। इसके ऊपर भी ब्लॉग, ओके सही रहेगा, ओके। सब आप देख सकते हैं, ये लेआउट भी बन चुकी है। अब असाइड में थोड़ा कुछ दे देते हैं, क्या दें, नाम दे देते हैं असाइड का, असाइड, और ये फुट कॉपीराइट लगाऊंगा, ऐसे ही जैसे नॉर्मल वेबसाइट बनाई जाती है। तो मैं एक प्रैक्टिकल तरफ जा रहा हूँ, जैसे आप सबको पता चले कि कैसे वेबसाइट बना जाती है। तो एक और टैग है M% कॉपी, ये भी मैंने, ये सब चीज़ें मैं जो अभी काम कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द
चीज़ें मैंने HTML के कोर्स में पढ़ा चुका हूँ। ओके, कॉपी, डिज़ाइनर एंड कोड, अच्छी बात होगी। सो ये कॉपी का मतलब ये था, ये वाली साइन, ये है एक चीज़। उसके बाद अब ये तो कुछ लेआउट ही नहीं बनी हुई, हमने कुछ भी नहीं किया। तो सबसे पहले, और वैसे तो हम लेआउट्स नॉर्मल बनाते हैं, आज मैं एक और प्रॉपर्टी जो एक न्यूएस्ट वर्जन है, रिसेंट वर्जन है, वो न्यू CSS में काम आता है, पुरानी में हम चाहे तो उससे भी काम कर सकते हैं, पर इससे काम करना बहुत आसान बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैं, हम जैसे करते हैं, हमारे कंटेनर को डिस्प्ले ग्रेड दे दूंगा, और इस बार हम ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स और रोज अलग से नहीं बनाएंगे, उनको साथ ही बनाएंगे। वो कैसे? ग्रेड टेम्पलेट एरियाज। अब इसके लिए एरियाज़ चूज़ करने से पहले हमें बताना पड़ेगा कौन सी एरिया का क्या नाम है। सो ये नेव बार की एरिया है, नेव बार को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉट नेव बार, क्योंकि डॉट हमने क्लास दी हुई है, तो डॉट नेव बार। हमें ग्रेड एरिया, मतलब एरिया जो है ये वाली नेव बार वाली एरिया है, इसका नाम क्या है। अब इस एरिया का नाम हम नेव लगा देंगे, और इस एरिया को हम यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद डॉट सेक्शन वन, सेक वन जो हमने क्लास दी थी, उसकी भी एरिया करेंगे ग्रिड एरिया, और इस एरिया का नाम क्या रखें? सेक्शन वन, सेक वन, हो गई। कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद सेक्शन टू को सिलेक्ट करके उस एरिया का नाम और रखेंगे सेक्शन टू। ओके, सेक्शन टू, उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार फिर, और असाइड, असाइड की क्या है क्लास? साइड है। सो साइड, साइड, और यहाँ पे भी मैं साइड लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी साइड आ गया, और लास्ट में हम फुटर, डॉट फुटर, उसकी भी ग्रेड एरिया लगा लेते हैं फुट के नाम से। एक मिनट, क्लास क्या दी थी हमने? फुट दी थी ना। सो क्लास को हमने सही कर लेते हैं। ओके, अब हमने सिंपली क्या किया है, ये नेव बार की जो एरिया है, नेव बार को हमने सेलेक्ट किया, उस एरिया को ग्रिड को हेल्प करने के लिए, उसको बताने के लिए कि इस एरिया का नाम क्या है, उस एरिया का हमने नाम रख लिया, कि हमने ग्रिड को कहा इस एरिया का नाम है नेव, इस एरिया का नाम सेक्शन वन है, इस एरिया का नाम सेक्शन टू है, इसका साइड है और इसका फुट है। तो इस हिसाब से हम आगे कहेंगे, इस एरिया को नाम से कहेंगे, क्योंकि हम नहीं बता सकते ना, तो नाम से कहेंगे कि इस एरिया को यहाँ पर फिट करो। ओके, तो सबसे पहले मैं ये दूंगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि सबसे फर्स्ट लेआउट हो कि हमारे नेव बार पूरा कवर करे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? नेव नेव नेव। अब जितनी बार मैं नेव बार बनाता जाऊंगा, उतने ये कॉलम्स बनाता जाएगा, उतने ये कॉलम्स बनाता जाएगा। ये हमने ग्रेड में भी सीखा था कैसे हम कॉलम्स बनाते हैं, वो उसमें थोड़ा अलग मेथड था, इसमें अलग है। तो जितनी बार मैं नेव लिखता जाऊंगा, मैं जितनी बार अपनी एरिया का नाम देता जाऊंगा, वो उस एरिया के लिए उतने कॉलम्स बनाता जाएगा। तो मैंने तीन दिए हैं, तो तीन कॉलम्स बन चुके। और उसके बाद हम सेकंड लाइन में आके, या फिर वहीं पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन मार्क लगेंगे, तो ये दूसरा रो बन गया, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, सही है। सो सेकंड रो में मैं कहूँगा सेक्शन वन, सेक्शन वन भी हमारा तीन कॉलम्स कर लें। सो सेक्शन वन तीन, सेक्शन वन तीन, जितने आपने ऊपर कॉलम्स रखे वो भी आपने दूसरे जो रोज है उसमें भी उतने ही कॉलम्स रखने पड़ेंगे। सो यहाँ पे भी तीन थे, यहाँ पे भी तीन थे, यहाँ पे मैं सेक्शन टू और सेक्शन टू। ओके, अब सेक्शन टू और सेक्शन टू में, थर्ड में मैं कहूँगा कि सेक्शन टू पूरा कवर ना करे, 50% कवर करे, या फिर 70% कवर करे, 30% जो है वो साइड को दे दे, मींस जो हमने साइड बार वाली एरिया बनाई थी वो उसको दे दे। देखें, ये फर्स्ट रो बन गया, इसने इसमें जितने भी कॉलम्स थे, तीन कॉलम्स जो थे, उन सबको नेव बार ने कवर किया। दूसरे में भी सेक्शन वन था, उसने सबको कॉलम किया। तीसरे रो में हमने तीन कॉलम तो बनाए, पर दो कॉलम सेक्शन टू कवर करेगा और एक कॉलम साइड वन कवर करेगा। और ऐसे ही फुटर भी लगा लेते हैं,
फुट, ओके फुट और फुट। तो ये आप चीज़ याद रखें कि जितने ऊपर कॉलम्स रखें उतने ही नीचे रखेंगे, तभी एक अच्छी से सही से लेआउट बनेगी। सो अभी के लिए तो ये इतनी सही नहीं लग रही, इतनी खास नहीं है, पर हम करते हैं इसको डिज़ाइन, और डिज़ाइन वहाँ पे नहीं, यहीं पे मैं इंस्पेक्ट करके सेट करूँगा। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल पहले वाला मेथड जैसे करते थे वो करूँगा, और इस सेक्शन वन को पकड़ूँगा। और सेक्शन वन में मैं क्या करूँगा, इसकी जो ग्रिड है सेक्शन वन की, डिस्प्ले ग्रिड सेक्शन वन को करूँगा। और सेक्शन वन में जो हमने कितने आइटम्स रखे थे, 3 रखे थे ना, तो मैं कहूँगा कि 3 ही कॉलम बना लो, जैसे यहाँ पे है ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये तीसरा कॉलम। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि कॉलम कैसे बनाएं, जैसे हम बनाते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, तो 1FR 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 3 से सारे से दे दो इनको, 3 जो भी हैं उनमें डिवाइड कर लो, सही है। और मैं यहाँ पे सेट कर लूँगा। सो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसको भी हम अलग से कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सेक्शन 2 में मैं करना चाहता हूँ, ये कॉपी करके पेस्ट करूँगा, सेक्शन 2 में हमारे 2 कॉलम्स हों। वैसे यहाँ पे तो वैसे एक है, पर मैं करना चाहता हूँ एक यहाँ और एक यहाँ, ये 2 कॉलम हो तो और अच्छा लगेगा। सही है, अब खोलते हैं अपना इंस्पेक्ट और इनको डिज़ाइन करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी अच्छी वेबसाइट बनाई है, कितनी अच्छी लेआउट बनाई है। तो सबसे पहले तो नेव बार को पकड़ते हैं, और नेव बार को मैं कहूँगा अपना बैकग्राउंड ब्लैक कर लो, और अपना कलर वाइट कर लो, सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं यूएल को कहूँगा, ये हमें ये सारे टैग्स आपको एचटीएमएल में पढ़ाए हैं, तो ये यूएल को कहूँगा कि लिस्ट स्टाइल जो है, ये लिस्ट स्टाइल है ना, ये लिस्ट में है तो लिस्ट स्टाइल ना हो, इसको लिस्ट स्टाइल को बंद कर ले, नन, तो ये लिस्ट स्टाइल बंद हो गया। और ये वर्टिकल में है तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल तकरीबन होता है डिफ़ॉल्ट, तो हम उनको डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेंगे, सही है। और मैं यूएल के अंदर जो एलाइज है, यूएल के अंदर है ना ये वाले और आइटम्स, तो इन आइटम्स को कहूँगा कि अपनी जो मार्जिन है उनको डिवाइड कर लो, तो मार्जिन ऑटो से उनने ऑटोमेटिकली मार्जिन सेट कर ली, मीन्स बराबर इन सबको तकसीम कर लिया उन्होंने, एक इसको एक इसको एक इसको, नए बार कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद हम इसमें जाएंगे, और इसको मैं कहूँगा कि बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड एक मिनट इसको ही कर लेते हैं, यश सही रहेगा, बैकग्राउंड ग्रीन सही है, और कलर ये सही है। उसके बाद मैं इनको कहूँगा हाइट 255 पिक्सल कर लो, ओके, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, नहीं यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था मुझे, उसके अंदर ये तो मैं इनको क्या करूँगा, डॉट सेक्शन 1 के आइटम को सिलेक्ट करूँगा, डॉट सेक 1 उनके अंदर जो आइटम है वो सिलेक्ट करूँगा ऐसे, सही है। उसके बाद मैं इनको कहूँगा कि जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स हो, और अलाइन आइटम्स सेंटर हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, तो मैंने यहाँ गलती की है, यहाँ पे डॉट नहीं लगाया क्योंकि हमने क्लास को सिलेक्ट किया है, तो अब सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड लगा के ब्लैक ही रहते हैं, तो ब्लैक तो डिफ़ॉल्ट होता है, ओके अब सही है। तो अब आप देख सकते हैं इनकी लेआउट बन गई, इनको हमने हाइट दी सबसे पहले, इसके पेरेंट वाला जो है इनका जो मेन कंटेनर है इनको ही हमने बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया, उनकी हाइट बढ़ा दी, सही है, तो इनकी हाइट बढ़ गई। उनके अंदर जो आइटम्स हैं उनको मैंने कहा कि अपना बॉर्डर करो, उनकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी ताकि उनको हम अलाइन सही से अलाइन करें, सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी ग्रेड यूज़ करें तो सबका ग्रेड करें, आप कर सकते हैं बाहर वाले कंटेनर का ग्रेड, अंदर वाले कंटेनर का फ्लेक्स, या उसके अंदर वाले कंटेनर का फ्लोट, सो आप एट अ टाइम सब यूज़ कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट
अचीव करने के लिए आप जो यूज़ करें। ओके, अब हम चलते हैं सेक्शन टू में। अब सेक्शन टू में मैन की हाइट जो है वो 255 पिक्सल रखूँगा और ग्रिड गैप लगा लूँगा 5 पिक्सल या 15 पिक्सल रख लूँगा ग्रिड गैप। और उसके बाद इनका बैकग्राउंड ब्लैक कलर वाइट, सो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, और उसके बाद मैं करना चाहूँगा कि इनके आइटम्स जो हैं, इनके आइटम्स को एक चीज़ करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सिलेक्ट करता हूँ डॉट सेक्शन टू के डॉट आइटम सेलेक्ट करो। तो ऐसे करके मैं इनका बॉर्डर वाइट कर लूँगा। ओके, 1 पिक्सल डायरेक्ट वाइट नहीं करना ना, साइज़ वगैरह पता नहीं है, 1 पिक्सल सॉलिड हो और वाइट हो, अच्छा हो गया। और ये हमारा साइड बार कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम फुटर को पकड़ दें, फुटर को कहूँगा कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लो और इसका बैकग्राउंड जो है फुटर का बैकग्राउंड ब्लैक और कलर वाइट। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने लेआउट बनानी चाहिए वैसी ही एक अच्छी सी लेआउट बन गई है। यहाँ पे हमने एक नेव बार बनाया, उसके बाद यहाँ पे ये लगाए हैं 3 आइटम्स, उसके बाद ये आइटम्स लगाएं, ये साइड लगाए और ये आखिर में फुटर लगाए। ये कैसे बनी है एक लेआउट, जैसे हमने ग्रिड टेम्पलेट एरियाज को यूज़ किया। उस ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में हमने 1, 2, 3 और 4, ये 4 रोज बनाए और हर रो में 3 कॉलम दिए हैं। फिर फर्स्ट वाले कॉलम को कहा है कि सारे कॉलम्स को नेव बार करें, दूसरे वालों को कहा है सारे कॉलम्स को नेव करें, और तीसरे को कहा है 2 को सेक्शन 2 कवर करें और 1 को साइड कवर करें। जैसे देख सकते हैं ये फर्स्ट को और सेकंड को कवर कर रहा है हमारा सेक्शन 2, पर जो थर्ड आ रहा है उसको हमारा साइड बार कवर कर रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इसमें बहुत सी हमने पहली वाली चीज़ें बहुत सी HTML में सीखी थी, बहुत सी CSS में सीखी थी, वो बहुत सी कवर कर ली है। और मैं इनकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कराऊँ तो इनकी भी बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिवनेस होगी। आप देख सकते हैं इसको और रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं मीडिया क्वेरी से, वो कब कैसे होगी वो अगली वीडियो में देखते हैं। सो टिल देन ये सारा कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।